राइज कप 60,000 रुपए तक की प्राइस रेंज के अंडर में एक शानदार गेमिंग लैपटॉप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं 2023 में, जिसमें आपको AMD का हेक्साकोर प्रोसेसर मिल जाए वो भी लेटेस्ट जनरेशन की रैम के साथ। तो फ्रेंड्स, HP विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप आपके लिए एकदम परफेक्ट डील रहेगा, जिसका मॉडल नंबर है FB1001AX और आपको इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस के संग लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएंगी, चाहे आपको फोटो एडिटिंग के लेना हो, प्रोग्राम के लिए लेना हो, मल्टीटास्किंग हो या गेमिंग, क्योंकि इसमें सपोर्ट मिलता है AMD के 7000 सीरीज के Ryzen 5 प्रोसेसर, DDR5 रैम एंड 144Hz रिफ्रेश रेट का। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ इस प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में जानेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा या नहीं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में। हमें इसमें AMD Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और एक AMD का लेटेस्ट 7000 सीरीज का हेक्साकोर प्रोसेसर है, जिसमें आपको सिस्को 12/3/16 MB की L3 कैश में भी दी गई है और इसमें 3.3 GHz तक की बेस क्लॉक स्पीड प्रोवाइडेड है, जिसे 4.5 GHz तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बता दूं, ये काफी पावरफुल प्रोसेसर है जो लैपटॉप की सिंगल एंड मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देगा, जिससे आपको इस लैपटॉप में काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी फॉर एवरीडे टास्क। और आप इस लैपटॉप में 1080 पिक्सल्स पर एडिटिंग कर सकते हैं, इसे वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और इसे ऑनलाइन ट्यूशन देने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप इस लैपटॉप को मार्केटिंग, ट्रेडिंग, ब्लॉगिंग या अदर वर्क के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स मैं इस प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स का कंपैरिजन AMD के 5000 सीरीज के Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ करूं तो आप देख सकते हैं कि Cinebench R23 के सिंगल कोर में 8% तक का और मल्टी कोर में 44% तक का बूस्ट है और पासमा के सिंगल कोर में 10% तक का और मल्टी कोर में 18% तक का बूस्ट देखने को मिलता है। और इसी के साथ बता दूं, ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिससे बैटरी को भी कम कंज्यूम करेगा, यानी आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा और आप इस तरह सभी तरीके के टास्क का फास्ट एंड इजिली कर सकते। और चलिए बात कर लेते हैं इसके ग्राफिक्स के बारे में। ये लैपटॉप NVIDIA के RTX 2050 ग्राफिक्स के साथ आता है और ये ग्राफिक कार्ड 4GB का है और इसमें 50W की TGP दी गई है। ये सब इस लैपटॉप में 1080 पिक्सल्स पर GTA 5, Call of Duty, Valorant के जैसे गेम्स से बड़े प्यार से खेल सकेंगे। और इतना ही नहीं, आप इसमें ब्लेंडर और इलस्ट्रेटर के जैसे सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2D एंड 3D ग्राफिक वर्क के लिए। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको इस लैपटॉप में प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, वो भी लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी के साथ, जिससे आप इसमें विंडोज 11 की सारी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसी के साथ इसमें आपके ऑफिस या बिजनेस से रिलेटेड वर्क के लिए प्री इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम स्टूडेंट 2021 वर्जन भी दिया गया है। और चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते और जानते हैं इस लैपटॉप की स्टोरेज या रैम के बारे में। तो इसमें 512GB की NVMe M.2 SSD स्टोरेज लगी मिलती है और एक Gen 4 SSD है, जिससे इस लैपटॉप की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी और आपको यहाँ पर फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सेस देखने को मिल जाएगी। और आप चाहो तो इस लैपटॉप में स्टोरेज को 1TB तक अपग्रेड कर सकते हैं और रैम में यहाँ पर आपको 8GB की DDR5 रैम प्रोवाइड की गई है, जो 4800 MHz की क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ आती है और इसमें रैम 16GB तक अपग्रेडेबल है। और चले गए, सब बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। इसमें 15.6 इंच का 1080 रेजोल्यूशन वाला IPS पैनल दिया गया है, जो 3-sided माइक्रो एजेस के साथ आता है। कंपनी ने इस लैपटॉप में काफी स्लिम बेजल्स प्रोवाइड किए हैं और ये डिस्प्ले 250 इंच तक की पिक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमेट के सपोर्ट के साथ आने वाला है, जिससे इसके डिस्प्ले के कलर्स एंड ब्राइटनेस गुड इनफ रहेंगे इंडोर यूज के हिसाब से और आपको नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पर मूवीज एंड वेब सीरीज को देखने में काफी मजा आएगा। और इसके डिस्प्ले में 144Hz का रिफ्रेश रेट है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो HP के इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतर है और लैपटॉप काफी स्लिक एंड स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है और इसकी टॉप की लिड पर विक्टर्स का लोगो दिया गया है और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और बता दूं, लैपटॉप के बैक पैनल में रबर गेस और एयर वेंट दिया गया है, जो लैपटॉप में एक अच्छी ग्रिप और कूलिंग बनाए रखेगा और हीट मैनेजमेंट के लिए इसमें डुअल फैन का सेटअप भी इंक्लूडेड है, जिससे लैपटॉप ज्यादा हीटअप नहीं होगा। और इस लैपटॉप का वेट 2.3 kg है। और स्पीकर्स में यहाँ पर BNO के डुअल स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिलता है, जिससे आपको इस लैपटॉप एक बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी और आप इसमें मल्टीमीडिया को फॉलो एंड एंजॉय कर सकेंगे। और इसके वैक्यूम में आपको HP का ट्रू विजन 720 पिक्सल्स वाला HD वैक्यूम दिया गया है, वो भी इंटीग्रेटेड डुअल रेट डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ, ये सब जूम पर वीडियो कॉलिंग्स एंड मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेटर वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए आपको इस लैपटॉप में वाई फाई 6 कार्ड का सपोर्ट मिलता है, जिससे आपको इसमें काफी बेहतरीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग की स्पीड देखने को मिल जाएगी और इसी के संग इसमें ब्लूटूथ 5.2 वर्जन भी इंक्लूडेड है।
जिसकी हेल्प से आप इसमें गीगाबाइट्स के साइज वाली फाइल्स को फास्ट शेयर एंड रिसीव कर सकेंगे। और चलिए अब जानते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। आपको यहाँ पर फुल साइज का कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा विद डेडिकेटेड नंबर पैड। कीबोर्ड के कीज के बीच का अलाइनमेंट काफी अच्छी है। इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस एंड की ट्रैवल दोनों काफी शानदार है, जिससे आपको इस लैपटॉप पे टाइपिंग करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें काफी स्मूथली टाइपिंग कर सकेंगे। और अगर गाइस आप देर रात तक काम करते हैं तो लैपटॉप आपके लिए बहुत फायदेमंद डील रहेगा, क्योंकि इसमें बैकलाइट कीबोर्ड का फीचर भी दिया गया है। और ट्रैकपैड की बात करें तो इसमें ग्लास साइज का ट्रैकपैड देखने को मिलता है, जो विंडोज 11 के साइज जैसेस को सपोर्ट करता है। और ट्रैकपैड फुली क्लिकेबल है और इसका टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। और इसकी बैटरी लाइफ को जबरदस्त बनाने के लिए कंपनी ने इसके साथ 150 वॉट का एसी अडैप्टर दिया है, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और आपको इस लैपटॉप में 3 साइज वाली 52 वॉट की लिथियम आयन बैटरी लगी मिलने वाली है, जिससे आपको 3-4 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के पोर्ट के बारे में। तो हमें इस लैपटॉप पे सभी तरीके के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 यूएसबी टाइप ए पोर्ट, 1 माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट एंड 1 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। और राइट हैंड साइड में 1 एचडीएमआई पोर्ट, 1 इथरनेट पोर्ट, 1 यूएसबी टाइप ए पोर्ट एंड 1 यूएसबी टाइप सी पोर्ट रहने वाला है। और चलिए अब जानते हैं कि इस लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप पावर अडैप्टर और लैपटॉप यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएंगे। एचपी का लैपटॉप एडिटिंग हो, प्रोग्रामिंग हो या गेमिंग के लिए काफी शानदार मॉडल है। और हमें इस लैपटॉप में 60,000 तक के बजट के अंडर में काफी बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि हमें इसमें 15.6 inches का 1080 रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है विद 144Hz रिफ्रेश रेट। इसमें AMD का 7000 सीरीज का Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो एक 6 Core 12 Threads का प्रोसेसर है। और आपको इसमें 4GB का RTX 2050 ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। और इसमें लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। और इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम प्लस एमएस ऑफिस 2021 वर्जन इंक्लूडेड है विद लाइफटाइम फ्री लाइसेंस। इसमें बैकलाइट कीबोर्ड का सपोर्ट भी रहने वाला है। और इसी के साथ हमें इस लैपटॉप में 8GB DDR5 RAM एंड 512GB Gen 4 SSD स्टोरेज लगी मिलती है। और इतना ही नहीं, आप चाहो तो इस लैपटॉप में स्टोरेज एंड रैम दोनों को अपग्रेड भी कर सकते हैं। इससे आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा और आप HP के इस मॉडल में अपने एवरीडे के टास्क को फास्ट एंड इजीली कर सकेंगे। इस लैपटॉप पर पूरे 1 ईयर की वारंटी दी गई है। आप इसे 7-8 hours तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। वाकई में HP का लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और प्राइसिंग की बात करूं तो अभी लैपटॉप Amazon पर 55,900 और Flipkart पर 56,500 रुपीस तक की शानदार कीमत के साथ आ रहा है। और इससे पहले कि गाइस इसका प्राइस इंक्रीज हो, आप इसे ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। और अभी इस लैपटॉप पर कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, जिससे आपको 5-10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। और आप चाहो तो इस लैपटॉप को EMI पर भी बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए अब सीधा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।